मध्य प्रदेश में स्थित बागेश्वर धाम के चर्चे आजकल पूरे भारत में सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के परम भक्त श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आजकल गुजरात के दौरे पर है। उनका महादिव्य दरबार और हनुमान कथा राजकोट शहर में 1 और 2 जून को लगा और इस दरबार में लाखों की तादाद में लोगों ने उनके दिव्य दर्शन किए और उनके दरबार एवं हनुमान कथा में लोगों ने समर्पण किया। दरबार में लाखों की मेदस्विनी इकट्ठा हुई। साथ ही साथ बड़े बड़े नेता, मंत्री और संतों ने दरबार में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि सौराष्ट्र संतों की भूमि है। जो लोग सनातन धर्म को बिना देखे बदनाम करते हैं, अनशन बोलते हैं, कम से कम एक बार वहाँ दरबार में जाके ही पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। मैंने खुद वहाँ जाके अनुभव किया। वहाँ अलग ही ऊर्जा का माहौल था। जिन लोगों को विश्वास नहीं है, उन लोगों को निवेदन है कि एक दिन वहाँ जाके अनुभव करना चाहिए ताकि सच का पता चले, क्या सही क्या गलत। बोलो जय श्री राम। करके आए, जिनका भी नाम ले चुके हैं वो आए और पूज्य पद्म भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले मुख्य आयोजक योगेंद्र छनेड़ा जी एवं किशोर जी, आप दोनों से आग्रह है कि आप दोनों आए और पूज्य पद्म भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें और इसके बाद समिति, जो हमारी 4 समिति है, समिति के सदस्य आ जाए और गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद आज का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। तो सीख ही आप आ जाए। योगेंद्र जी, किशोर भाई एवं निमंत्रण समिति के जो सदस्य हैं वो आ जाए और निमंत्रण समिति के बाद
सबसे पहले हम आग्रह करेंगे निमंत्रण से पहले कि संत समिति आ जाए, संत समिति आ जाए पहले, उसके बाद निमंत्रण समिति आए। तुम्हें भरोसा था कि कोई नाम से बुला सकता है? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता था। ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारे साथ तो घट गई घटना, बालाजी की कृपा, तुम्हारे साथ तो हो गए। हमने लिख भी लिया जो हमें आज्ञा लगी, राम सीताराम, हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी। पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे? गुरु जी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, आप हमारे जन्मभूमि में गए थे। कहाँ? बिहार। बिहार? हाँ हम गए, अभी गए। मेरा शरीर यहाँ था लेकिन मेरा दिल आपके पास था। आज मेरा दिल और शरीर आपके पास है। बिहार में कहाँ के हो? नवादा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ बात है रघुआ, सब ठीक बा ना? ठीक बा गुरुजी। जितू जी आओ, चिंता ना करा रघुआ। मेरे गरीब पूछो प्रश्न करो, बालाजी से क्या चाहे? बालाजी हमारे कष्ट को जानते हैं गुरुजी। हाँ हमने लिखा जो उन्होंने आज्ञा दी, हमने लिखा, जल्दी बोलो कम समय। शरीर में तकलीफ रहती है, बीमारी रहती है। कहाँ? ये एलर्जी के कारण परेशान रहे बहुत दिनों से। और गुरु जी हम अपने ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन हमारे ऊपर क्या काम करते हो? रेलवे में काम करते। रेलवे में काम करते? नौकरी करते जी। लेकिन हम ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है। अब हम सिर्फ बालाजी को बताएं कि गुरु जी हम अपनी ईमानदारी से करते हैं लेकिन अब कोई नहीं हो। और कुछ पूछेंगे आप? और बच्चे पर गुरु जी, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या नाम है? एक का गोपाल है और एक ऋषभ कुमार है। पढ़िए हमने ऐसा लिखा, संजय कुमार नाम है, परेशान है, चरम रोग इन्फेक्शन बनता है, एलर्जी हो जाती पूरे शरीर में, नौकरी में परेशान करते हैं व आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, पितृ दोष के कारण यह दिक्कत 2018 से ज्यादा बन रही है, बालक दोनों उन्नति करेंगे, आप चिंता ना करें। मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, दूसरे मजहब के लोगों को टोपी पहनने में शर्म नहीं, किसी को कुछ लटकाने में शर्म नहीं, रविवार को कहीं किसी को जाने में शर्म नहीं। दुनिया में कितने मजहब के लोग हैं जो अपने धर्म को, अपने ईमान को बड़े गौरव के साथ मानते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो बुझ दिली के साथ घर के अंदर बैठे रहते हैं। अब सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। मेरे पागलो, तुम्हें नाज होना चाहिए कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जो बड़ा प्राचीन, बहुत पुरातन, और उसी पुरातन सनातन धर्म में हमारा आपका जन्म हुआ है। सनातन धर्म की पुरानी मति, वर्तमान की गति, अब भारत राष्ट्र को करेगा यह प्रगति की ओर। तब हम उनको कहते हैं आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इज वेरी पावरफुल। ये हमारी महिमा नहीं है, बालाजी हमें प्रेरणा देते हैं, जो मन में देते हैं हम उसको, और इसलिए दरबार हम इसलिए नहीं लगाते कि प्रदर्शन हो, धन तो लेते ही नहीं हम, दरबार सिर्फ इसलिए खुला हुआ लगाते हैं ताकि सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार हो। गए
गंदी बातें करने में बुरी आलस। इसलिए काम करो, अब जो आदत तुम्हारी संसार की लगी ना, वो आदत राम से लगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। क्यों? राम ही सार है इस संसार में, बाकी कोई अपना नहीं है प्यारे। सब झूठी माया झूठी काया है इस दुनिया में, तुम कितना भी कुछ कर लो, राम के अलावा कोई भी अपना साथ देने वाला नहीं है। यही जिंदगी का सार है, इसलिए दोनों हाथ उठा लो। वैष्णव जन तो एक कहिए वीर पराई मेरी सखी